बहुत ही उमंग, बहुत ही उत्साह हमारा आदिवासी समाज में। और सबसे बड़ी बहुत साल बाद हम लोग छत्तीसगढ़ी में सुने में मिलते, चाहे मंत्रालय हो, चाहे माननीय मंत्री बन के बदला हो, चाहे रायपुर में चलो बेटा जी, बड़ा जोरदार स्वागत हो। ये तो बीच में हिंदी हमें उतनी छत्तीसगढ़ी धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री फिर से पूरा स्थापित करी साथ छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ी भाषा ला। और आज हमारा जब सुबह सुनभन तो बड़ा सुखद वास्ते कहा था कि हमारे आज फिर से छत्तीसगढ़ी बोली के फिर से स्थापित हुई, सब फिर से सुनने मिले। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत की तरी ला प्रारंभ देते हुए आज हमारे बीच में मंच दिए है हमार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति के पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय गुरुवाणा 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 गुरुवा सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जोरी जी, आप विधायक हैं कांकेर से, पंचायत है और दादी बहुत ही लोकप्रिय दादी माननीय श्री प्रवासी लखमा जी जोरपाली, माननीय श्री अमर भागा जी, अमर माननीय खाद्य मंत्री जी है, अमर कोंडा गांव के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री मोहन मरखान जी, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के भी दायित्व लहे भी है। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर आदिवासी समाज की ओर से भी आपका राज्य का जनता हार्दिक स्वागत। मैं स्वागत की करीला आगे बढ़ाते हुए गजब के उत्साह, गजब के उमंग, ये उमंग के पास भी का बताओ करते छुट्टी हो गए, छुट्टी के पास भी है वो एकदम जबरदस्त उमंग, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हमारे मुख्यमंत्री जी के आभार ताली के गड़गड़ाहट के साथ कि स्वागत से करीब आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, माननीय कवासी नकमा जी, डॉक्टर प्रेम साय जी, डॉक्टर अपने श्री अनवर भगत जी, माननीय मोहन मकान जी और हमारे विधायक भैया डॉक्टर शिशुपाल भैया जी और डॉक्टर शिव डाली जी, निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत संयुक्त रूप से आज इस विश्व आदिवासी दिवस में कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के शुभारंभ करें। माननीय माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत। सर्व आदिवासी समाज के समस्त फाउंडर मेंबर, समस्त राज्य प्राप्ति पदाधिकारी से भी निवेदन, कृपया जल्द से जल्द आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा प्रकाश संघ के माननीय पदाधिकारी श्री ज्ञानेश्वर कसोर जी, डॉक्टर श्री सिद्धू जी, जिलाल मरानी जी, जय सिंह राज जी, करीम भोई जी और जितने भी हमारे अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा संघ के जितने भी माननीय सदस्य हैं, श्री के मरकाम जी, नकुल चंद्रवंशी जी, मोहन कुमरी जी, आप सभी से निवेदन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग स्वागत करेंगे। ये गेट खोल देंगे, इसी प्रकार रायपुर जिले के जो महिला प्रतिनिधि मंडल है, रानी दुर्गावती महिला मंडल से भी निवेदन है, कृपया आप लोग पूरा समूह में आ जाएंगे। और इसी प्रकार दुर्ग के प्रगति महिला गुणान गुणानम वोट सभा के सभी महिला प्रतिनिधि ये इधर से आएंगे। हमारे सर्व आदिवासी समाज, सर्व आदिवासी समाज से प्रारंभ करेंगे। सर्वे सदाम साहब, हमारे फाउंडर मेंबर श्री आर बी सिंह साहब रिटायर जज साहब है, हमारे समान जी साहब रिटायर जज साहब है, तालियों के स्वागत। और जितने भी जिले से हैं, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, बलौदाबाजार और जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा,
रमदरी जितने भी प्रतिनिधिगण आए हुए हैं कृपया समूह में आकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें, तालियों में उमंग में कमी नहीं होना चाहिए। हमारी ऊर्जा बरकरार रहे, हम लोग कुपोषण मत हो और हमारे लड़का मन के आवाज भी एकदम बुलंदी में रहे, इसी बात से माननीय मुख्यमंत्री जी अंडा घलोक देते मैं हर सप्ताह, तो आवाज बुलंद होना चाहिए। जोरदार तालियों से दरियाबंद जिला, धमतरी जिला, जितने भी हमारे सामाजिक प्रतिनिधिगण आए हैं, सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति संस्कृति सेवक विकास संघ और समाज के हमारे विभिन्न पदाधिकारी, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उत्साहित आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गजब का उत्साह माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। निश्चित तौर पर यह उमंग का क्षण